हेलो बोलो, क्या कहना है तुम्हें? हफान प्लीज इस तरह से मुझसे बात मत करे, मुझसे आपका ही रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज हफान। जो कुछ तुमने अम्मी के साथ किया ना, वो भी नाकाबले बर्दाश्त है मेरे लिए। हफान मेरी बात को यकीन करें आप, मैंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। मुझे पता है आप अम्मी के साथ कितना प्यार करते हैं, भला मैं एक ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ जो आपको हर्ट करे? आपके जाने के बाद मेरे साथ उस घर में बहुत कुछ होता रहा है। शाजमा ने मेरे खिलाफ एक महाज बना लिया था, दिन रात उठते बैठते वो मेरे सब्र को आजमाती रही, उसकी सारी हरकतें मैं इग्नोर करती रही। मैंने तो आपकी इज्जत और सुकून की खातिर अपने किरदार पर इल्जाम भी बर्दाश्त कर लिया था। जब शाजमा ने मेरे और जिशान के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया था, मैं तब भी खामोश रही। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी अफान, और ना ही उस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे पर आई तब मैं खामोश नहीं रह सकी। शाजमा की हसरत और जलन की आग मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को अपनी लपेट में ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि इससे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं उस घर से चली आई। सिर्फ यही कसूर है मेरा और इसी की सजा मिल रही है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ फाज, कि जाने के बाद मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, शाजमा ने बहुत गलत किए मेरे साथ, बहुत गलत।